الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज के ऊपर रौनक अफरोज उलमाए ज़बील एहतराम सादात इकराम दीगर मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन हज़रात बुज़ुर्गों नौजवान साथियों आइए हम और आप मिलकर बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बड़ी मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में फिर से दुरूद पाक पढ़े। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। मोहतरम हज़रात आज की बाबरकत मजलिस पाक जिसमें हम और आप शरीक हैं, बुजुर्गान दीन की बारगाह में अकीदतों और मोहब्बतों के नजराना पेश करने की गरज से इस बज़्म को और उसके मौके पर सजाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूबीन बंदों के सदक़े में हमें और आपको दोनों जहाँ में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से निकल करके अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गान दीन के पाकीज़ा बातों पर अमल करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे शहर के मुसलमानों को अल्लाह के नेक बंदों की अकीदत हमेशा दिलों में रची बसी रहे। अल्लाह पाक ऐसी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे शहर से जहालत के अंधेरे को ख़त्म फरमाए, इल्म दीन का नूर और उजाला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चा पक्का मुसलमान बन के ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मोहतरम मैं थोड़ी देर के लिए जब तक हमारे मेहमान खुसूसी ख़तीब बेमिसाल हज़रत अल्लामा मौलाना शकीर अहमद साहब जब तक नहीं आते हैं तब तक ये गुनहगार आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद ज़रूरी बातें और कार आमद बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बात हमेशा हर मुसलमान को जहन में रखनी चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला हमारे तमाम कामों से बाखबर है। परवरदिगार आलम हमारे और आपकी तमाम हरकतों से, तमाम आदतों से, तमाम बोल चाल चलन उठने बैठने तमाम को अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है। अल्लाह तबारक व ताला किसी के बताने का मोहताज नहीं, वो वहदहु ला शरीक है, हर जगह हर वक्त मौजूद है। और परवरदिगार आलम है भी बहुत बड़ा करीम, बड़ा रहीम, बड़ा मेहरबान। अगर वो मेहरबान नहीं होता तो हमारी और आपकी गलतियां और कोताहियां
और नाफरमानियां जितनी वो देख रहा है। हक तो ये बनता है कि एक वक्त का भी खाना हमें और आपको मुयस्सर ना हो, और जिंदा जमीन के अंदर दफना दिए जाएं तो इसके काबिल है। हमारे और आपकी हरकतें और काम तो इस तरह के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परवरदिगार आलम उन तमाम हमारी गलतियां, तमाम घिनौनी हरकतें, तमाम गलत काम, नारे पीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, सदा इकरार, बारिक वसल्लम। हमारी और आपकी मजलिस की जो कुछ भी कमी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अहले बैत के आने से, पीर साहब क़िबला के तशरीफ़ लाने से वो कमी पूरी हो गई। मजलिस में एक रौनक आ गई, सबके चेहरे अल्हम्दुलिल्लाह खिल उठे। अल्लाह करीम हमारी और आपकी ये मजालिसें हमेशा इसी तरह से इन अहले बैत आज़म की तशरीफ़ आवरी से हमेशा रौनक बख्शे, और अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको अहले बैत का और उलमा इकराम का सच्चा पक्का शेदाई बने। 5 मिनट का वक्त मैंने पीर साहब क़िबला से लिया है और मैं एक बुजुर्ग की बात करके और गुफ्तगू को इंशाअल्लाह पूरी करूँगा। हजरत दाता अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक ताबई बुजुर्ग थे, यानी कि जो सहाबी के शागिर्द हों उन्हें ताबई कहते हैं। वो ताबई बुजुर्ग थे और बहुत अल्लाह के महबूब बंदे थे, रब से डरने वाले थे, गुनाहों से बहुत परहेज करने वाले थे, बड़े नेक इंसान थे, और वो सुबह फजर के बाद से लेकर के असर तक किसी से मुलाकात भी नहीं करते थे, और वो कुछ बकरियां चलाते थे और बकरियों को लेकर के वो जंगलों में पहाड़ों में चले जाते थे, बकरियां भी चराते थे और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र भी करते थे, बकरियां भी चराते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। एक बंदा बहुत दूर से चल करके आया उस ताबई बुजुर्ग की मुलाकात के लिए, लोगों से हाल पूछे, कहा कि वो दिन में किसी से मिलते नहीं है, जो कोई मुलाकात के लिए जाता है तो उसके वो जलाल में आ जाते हैं कि मिलने का वक्त नहीं है। कहा कि कोई बात नहीं, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, अब उनकी मुलाकात तो करनी है, अल्लाह वाले हैं, वो बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। और ये आपको बात बता दूं, जिनका ताल्लुक गहरा रब की जात से हो, इश्क सच्चा अल्लाह उसके रसूल से हो, और उनके सीनों में जब मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा जब ज्यादा बस जाती है तो फिर वो जल्दी राजी भी हो जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं, और वो अपने चाहने वालों पर, बिना चाहने वालों पर, अल्लाह की मखलूक पर मेहरबान रहते हैं। वो बंदा गया तो जाके मंजर देखा कि वो बुजुर्ग नवाफिल पढ़ रहे हैं समंदर के किनारे पर, बकरियों की रेवड़ की हिफाजत एक भेड़िया कर रहा है। ये बंदा देख करके हैरान हो गया कि भेड़िया तो बकरियों को खा जाता है और यहाँ तो भेड़िया उस बकरियों की हिफाजत कर रहा है। जब बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए तो हजरत अस्सलाम वालेकुम का, वालेकुम सलाम का, क्यों आए, मैं किसी से मिलता नहीं हूँ। कहा कि हजरत जब आ गया हूँ तो खुदा के वास्ते कबूल कर लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहा कि आए क्यों, मैं किसी से मुलाकात ही नहीं करता हूँ। अर्ज की, हजरत मुझे माफ कर दीजिए, आपसे बहुत मोहब्बत हो गई थी, आपको मिलने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ, मुलाकात हुई। कहा कि क्यों हजरत, ये बकरियों की रेवड़ को हिफाजत इंसान नहीं बल्कि भेड़िया कर रहा, जो इसको खा जाता है, इसका दुश्मन है। इन बकरियों ने, उन भेड़ियों ने आपस में सुलह कर कब से कर ली। उस ताबई बुजुर्ग ने बहुत कम लफ्जों में बहुत गहरी और पत्ते की बात बताई, ताकि आने वाले मुसाफिर, जब से बकरियों के मालिक ने अल्लाह से सुलह कर ली है, तब से बकरियों ने और भेड़ियों ने आपस में सुलह कर ली है, इसके अंदर कोई दुश्मन नहीं है,
कि जो बंदा गुनाहों से बच जाता है, नेकी की तरफ आ जाता है, परहेजगारी को इख्तियार करता है, रब का डर दिल में बिठाता है और अल्लाह से गहरा ताल्लुक जब जोड़ता है, अपनी जबानी, अपनी जिंदगी, अपना मालो मता, अपनी जबान, अपनी नजर, अपनी अकल, अपने हाथों की ताकत, अपने पांव की ताकत, तमाम अकल की सलाहियतें, तमाम दबदबा अल्लाह उसके रसूल की रजा के खातिर जब बंदा लगा लेता है तो रब से सुलह हो जाती है। और जो बंदा रब से सुलह करता है तो परवरदिगार आलम उस बंदे के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम फरमाता है। वो आने वाला मुसाफिर कहने लगा कि प्यास लगी है, ये बाबा जी पानी पिलाएंगे क्या पता। ये दिल में ख्याल कर रहे थे तो बाबा जी ने क्या करा, अपनी झोली में से एक लकड़ी का कश्कोल प्याला निकाला और एक ढलान में पत्थर था उसके नीचे रख दिया। उस प्याले को ढलान पत्थर था उसके नीचे रखा तो खुद ब खुद दूध कहाँ से आया, वो पत्थर से निकला, वो प्याला भर गया। उस बुजुर्ग ने उठाकर कहा कि इसे पी लीजिए। फरमाते कि प्यास तो लगी थी, दूध बड़ा ठंडा और मीठा था, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके पिया, अल्हम्दुलिल्लाह का तबीयत खुश हो गई। उसी बुजुर्ग ने वही प्याला उसी जगह पे रखा, अब दूध नहीं बल्कि वही प्याला शहद से भर गया। उसने वो पिया और फिर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, इन पत्थर से दूध ठंडा और शहद ये कहाँ से आ गई, क्या चीज है, ये दूध कहाँ से आ गया। तब उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, ये तू क्या हैरत में पड़ गया है, वो रब तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है। उसने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की नाफरमान कौम के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जब लकड़ी पत्थर पे मारी तो रब ने उस पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी फरमा दिए। तो मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ और उस गुलाम के रब पत्थर से अगर दूध और शहद निकाल दे तो क्या बड़ी बात। प्यारे मुसलमानों, नारे रिसालत, उनसे मुकद्दस गुलामी करें, गुलामी मर्जी की जिंदगी न गुजारे। इन अल्लाह वालों ने गुलामी की थी सच्ची, अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारी थी। उस आने वाले शख्स ने आखिर में कहा, हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। तो उसने जुमला बोला कि अभी दुआ के लिए बोल रहे हो, बस तुम गुलामी इख्तियार करो पैगंबर गायब की, परवरदिगार आलम तेरे सारे कामों को बना देगा। अरे मुसलमानों, सच्चे गुलाम बन जाए, रब हमारे आपके बेड़े दुनिया और आखिर में पार लगा देगा। अस्सलाम वालेकुम।